फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट स्टैंडर्ड टू इंग्लिश चैप्टर नंबर 7। ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ब्लैक बोर्ड का मीनिंग आपको पता होगा कि आप जब स्कूल में आते हो तब आपकी टीचर जिसमें पढ़ाती है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड। आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, ड्रॉ यानी कि ड्रॉइंग यानी कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड में ड्रॉइंग कर सकता हूँ। तो देखिए, हमें यहाँ पे हमें एक बॉय बताया है, वो हमें कहता है कि मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में ये ड्राइंग कर सकता हूँ। देन फर्स्ट सेंटेंस इज ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी कि मैं हमारे ब्लैक बोर्ड में चित्र बना सकता हूँ। वन लिटल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। लिटल यानी कि छोटा सा, हाउस यानी कि हाउस घर, ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर, डोर यानी कि दरवाज़ा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एक छोटे से घर बना सकता हूँ जिसमें मैं ग्रीन कलर का डोर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड। ब्राउन यानी कि जो ब्राउन कलर यानी कि भूरे कलर का, गेट्स यानी कि जो दरवाज़ा होता है वो, That open wide, open यानी कि खुला और wide यानी कि चौड़ा। तो यहाँ पे ये जो sentence का है वो क्या है कि मैं ऐसे दो बड़े बड़े भूरे रंग के गेट है जो बहुत ही चौड़े यानी कि बहुत ही ओपन से खुल सकते हैं, ऐसा मैं इस पिक्चर यानी कि ब्लैक बोर्ड में ऐसा बना सकता हूँ। Then next sentence is थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड। यहाँ पे स्टेप्स यानी कि जो सीढ़ियाँ चढ़ना होता है वो, लीड इनसाइड यानी कि जो अंदर की तरफ जाता हो घर में, ऐसी मैं सीढ़ियाँ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लड़का है वो क्या कहता है कि मैं तीन बड़े बड़े ऐसे चौड़े से स्टेप है जो मैं बना सकता हूँ, जो अंदर की तरफ हमें ले जाता हो वैसा मैं ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ कर सकता। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें एक लड़के ने कैसे ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग किया है कि जिसमें हमें एक हाउस दिखाई दे रहा है छोटा सा, उसमें ग्रीन कलर का डोर भी उसने बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या देखा, टू ब्राउन गेट्स यानी कि उसमें कैसे उसने दो, ये जो देखिए हमें यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है वो दो उसने ब्राउन कलर के गेट्स बनाए हैं। तो वो ऐसा बोलता है कि मैं इसमें ग्रीन कलर का डोर एंड टू ब्राउन कलर के गेट्स भी बना सकता हूँ। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट। लिटल यानी कि छोटी और चिमनियाँ यानी कि आपको पता होगा चिमनियाँ कैसी होती है। देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड में हमें ऊपर की जो तरफ ये दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, चिमनियाँ। तो चिमनियाँ का यूज़ क्या होता है कि अगर आप कुकिंग करते हो यानी कि आप कोई कुकिंग करते हो घर में, तो उसका जो धुआँ होता है वो जहाँ से जाता है यानी कि जो जहाँ से ऊपर की तरफ जाता है घर के बाहर, उसको क्या कहते हैं, चिमनी। पेंटेड वाइट यानी कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है कि ये जो वाइट कलर की पेंटिंग दिखाई दे रही है पेंटेड, वो क्या है, चिमनियाँ, कि जहाँ से जो धुआँ होता है वो घर के बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि मैं ऐसे फोर यानी कि ऐसे फोर चिमनियाँ बना सकता हूँ जो वाइट कलर के पेंटिंग किए हुए है। देन नेक्स्ट सेंटेंस फाइव लिटल विंडो शाइनिंग ब्राइट। विंडो यानी कि ऐसे जो विंडो खिड़कियाँ होती है वो, तो यहाँ पे कहा है कि मैं ऐसे फाइव खिड़कियाँ बना सकता हूँ जो बहुत ही शाइनिंग यानी कि चमकना। तो जो ऐसी फाइव विंडो बना सकता हूँ जो ऐसे शाइनिंग यानी कि चमकती है, ऐसी मैं बना सकता हूँ। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज सिक्स येल्लो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल। यानी कि मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है वो स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़ा हुआ वैसा, और टॉल यानी कि लंबा। तो ऐसे में सिक्स पीले कलर की मैरीगोल्ड होंगी फ्लावर जो मैं सीधी और लंबी होती है वो ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पे ये जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मैरीगोल्ड फ्लावर जो बहुत ही स्ट्रेट खड़े हुए हैं, और टॉल यानी कि ऊंचे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं ऐसे सिक्स पीले कलर के मैरीगोल्ड फ्लावर जो सीधे खड़े हुए और लंबे से हो वैसा मैं बना सकता हूँ।
The next sentence is growing up against the wall. Wall यानी कि दीवार, growing यानी कि उगना, against यानी कि आगे, कि मैं ऐसी भी दीवार बना सकता हूँ जिसके आगे ऐसे जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो वहाँ वो दीवार के आगे ऐसे स्ट्रेट एंड लंबी सी खड़ी रह सके, इसलिए मैं ऐसी दीवार भी बना सकता हूँ। तो देखिए पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक उसने हाउस बनाया है जिसमें 5 विंडोज है, एक ग्रीन कलर का डोर है, फिर आगे एक ब्राउन कलर का, दो ब्राउन कलर का उसने ओपन वाइड जो गेट्स है वो बनाया है, फिर उसमें क्या था, चिमनियाँ। तो देखिए ये जो है उसने वो चिमनियाँ बनाई है, फिर उसमें इसने जो मैरीगोल्ड फ्लावर दीवार के आगे रह सके ऐसी पिक्चर बनाई है, और उसमें क्या बनाया है, स्टेप्स, स्टेप्स यानी कि जो चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है जो घर के अंदर जा सके ऐसी उसने सीढ़ियाँ भी बनाई है। तो ये जो बॉय है वो कहता है कि मैं ऐसा ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ कर सकता हूँ। देन हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। गेट्स यानी कि मैंने आपको मीनिंग बताया, गेट्स यानी कि दरवाजा, वाइड यानी कि चौड़ा, लीड यानी कि किसी तरफ बढ़ना, मैंने आपको बताया लीड यानी कि कोई हमें अंदर जाने का रास्ता बताता है वो। तो यहाँ पे क्या देखा, स्टेप्स दैट लीड इनसाइड यानी कि उसने क्या करा, क्या बनाया था, जो अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हाउस में अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है वो भी वो बना सकता है। चिमनियाँ, चिमनियाँ का मैंने आपको मीनिंग बताया कि जो हमारे घर में से धुआं आता है कुकिंग करते वक्त, वो घर के बाहर जाने के लिए हम क्या बनाते हैं, चिमनियाँ। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, और स्ट्रेट यानी कि सीधा, तो सीधा जो फ्लावर खड़ा रह सके इसलिए उसने दीवार भी ड्रॉ की थी। तो ये कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो बच्चा है वो कहते हैं, ये कहता है कि मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड में एक छोटा सा हाउस बना सकता हूँ जिसमें 5 विंडो, एक ग्रीन कलर का डोर, देन 2 ब्राउन कलर के ओपन वाइड डोर्स यानी कि गेट्स, फिर नेक्स्ट उसने क्या कहा कि मैं ऐसी चिमनियाँ बना सकता हूँ वाइट कलर की जो यहाँ पे पेंटेड दिखाई दे रही है वैसी, फिर नेक्स्ट क्या देखा, 6 येलो कलर के मैरीगोल्ड फ्लावर्स भी बनाए हैं, देन वो दीवार भी खड़ी की है जिससे आगे फ्लावर्स ऐसे स्ट्रेट एंड लंबे खड़े रह सके। तो उसने कहा कि मैं ये सारा ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसे देन एक्सरसाइज रीड इज फन। How many windows does the house have in this poem? यानी कि हमने आगे जो poem देखे उसमें कितनी windows थी, windows यानी कि खिड़कियाँ। Then how can we answer right? There are 5 little windows in the house. यानी कि वो कहता था ना कि मैं ऐसे 5 little windows बना सकता हूँ। Then next question is where do the marigold grows? यानी कि जो marigold flower है वो कहाँ पे उगी थी? Then how can be right answer? There are 6 yellow marigold which are growing up against the wall. यानी कि ऐसी 6 येल्लो कलर की मैरीगोल्ड फ्लावर उसने बनाई थी जो वॉल के आगे अगेंस्ट यानी कि उसके आगे उग सके ऐसी उसने दीवार भी बनाई थी। देन क्या लिखा है सेंटेंस, से अलाउड यानी कि जो वर्ड्स दिए हमें जोर से बोलने हैं, जैसे कि ड्रो, ड्रेन, ड्रीप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, थ्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रैप, स्क्रेन। ड्रो यानी कि दौड़ना, ड्रेन यानी कि वैसे दौड़ना होता है वैसे, ड्रीप यानी कि ड्रीप, ब्राउन, ब्राउन या येलो ब्राउन कलर होता है वो, ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ईंटे, थ्री यानी कि कोई भी 3 वस्तु, 1, 2, 3 ऐसा होता है वो 3, थ्रो यानी कि फेंकना, फिर ग्रो यानी कि उगना, ग्रेप्स यानी कि जो आप ग्रेप्स खाते हैं वो, ग्रे यानी कि ग्रे कलर होता है वो। तो हमें यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें जोर से बोलने हैं, ड्रो, ड्रेन, ड्रीप, ब्राउन, ब्रे, ब्रिक, थ्री, थ्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स लिसन। एवरीवन, एवरी रूम बिकम डर्टी इफ नॉट क्लीन। बिकम्स यानी कि अगर, ये एवरी यानी कि सारे,
डर्टी यानी कि गंदे, नॉट क्लीन यानी कि सारे हमें रूम है वो गंदे नहीं रखने चाहिए। लेट्स क्लीन अवर क्लासरूम वाइल सिंगिंग दिस पोएम यानी कि चलो आओ हम ये जो पोएम है वो गा लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्लासरूम क्लीन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोएम बताई है, आई एम गोइंग टू स्वेप द डर्टी अवे, आई एम गोइंग टू स्वेप द डर्टी अवे, आई एम गोइंग टू स्वेप द डर्टी अवे, वुश वुश वुश। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट, दीज आर द टू रूम्स ऑफ द हाउस, कलर देम बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ। यानी कि हमें यहाँ पे देखिए पिक्चर में दो रूम्स बताए हैं, उसमें आपको कलर फिलअप करने हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज दी है वो आपको करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो ब्लैंक है वो हमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पे ये जो आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। देन नाउ हियर दिस पैराग्राफ इज, दिस इज माय बेडरूम। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है हमें वो किस रूम का है, बेडरूम का। आपका भी कोई बेडरूम है, वो बेडरूम है ना आपके पास, आपके घर में भी एक बेडरूम होगा। तो ये क्या है, दिस इज माय बेडरूम, इट हैज वन विंडो। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर में ये जो है वो एक विंडो दिखाई दे रही है। द कलर ऑफ माई बेड इज ब्लू, मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा है। देन आप जो भी कलर अपने यहाँ पे ये जो पिक्चर में बेड दिखाई दे रहा है उसमें आप जो भी कलर फिलअप करते हो वो आपको लिखना है। देर आर थ्री पिक्चर ऑन द वॉल, तो देखिए हमें यहाँ पे वॉल में ऐसे तीन पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर यानी कि फोटो फ्रेम। तो देखिए आपको भी यहाँ पिक्चर में तीन फोटो फ्रेम यानी कि पिक्चर दिखाई दे रही है। देन हाउ कैन आई आंसर, देर आर थ्री पिक्चर ऑन द वॉल। देन नेक्स्ट पिक्चर इज लिविंग रूम, ये हमें लिविंग रूम की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो उसमें आपको जो भी कलर फिलअप करना है वो आप फिलअप कर सकते हो। देन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में आंसर फिलअप करने हैं। तो चलो आओ देखते हैं पैराग्राफ क्या दिया है। दिस इज अ लिविंग रूम यानी कि आपके घर में भी ऐसा लिविंग रूम है। लिविंग रूम यानी कि जहाँ पे आप बैठते हो उसको क्या कहते हैं, सारे एक साथ जहाँ पे रूम में बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, लिविंग रूम। इट हैज़ अ सोफ़ा सेट यानी कि हमें यहाँ पे एक ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, सोफ़ा सेट। इन इट वी वॉच टीवी हियर यानी कि लिविंग रूम में हम क्या देखते हैं, एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं। इट हैज टू कर्टेंस यानी कि इसमें कितने कर्टेंस है, टू कर्टेंस है। देन इट हैज अ राउंड टेबल यानी कि हमें यहाँ पे ये जो टेबल दिखाई दे रहा है वो कैसा है, राउंड है। तो क्या होगा आंसर, इट हैज अ राउंड टेबल यानी कि यहाँ पे एक राउंड टेबल भी है। तो हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या देखा कि जो दो रूम्स दिए हैं पिक्चर में उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ में जितनी भी ब्लैंक्स है वो हमें फिलअप करनी है, और आपको आपके हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद है वो आप यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं दो रूम्स में वो आप फिलअप कर सकते हो।